अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जाने वाले हैं जी वादिये सूंस केसर खिबिकी झील। खिबिकी झील सिलसिले वादिये कोह नमक पाकिस्तान की एक बहुत प्यारी और बहुत ही बड़ी झील है जो पंजाब के इलाके में वाक़िया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब बारिश हुई हो तो यहाँ से बिल्कुल गुजरा ही नहीं जाता। और तकरीबन हम घर से निकले थे 12:30 बजे और अभी जो टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं। अभी तकरीबन घंटे का सफ़र अभी आगे पड़ा है और बहुत सख्त गर्मी है, वीडियो भी नहीं बन रही और मुझे बहुत सख्त प्यास लग चुकी है। ओए होए होए स्लिप आया और स्लिप नहीं आया, स्लिप आया बात किया ये और थलो लगा तो फायदा फायदा नहीं होना। हां हां जल अच्छा अच्छा वो लगा स्लिप से ही तो डटने पे अभी हां रास्ते में स्टे किया थोड़ी देर के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। हम जिस बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर थक चुके थे और तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है हम घर से निकले हैं और मोटरसाइकिल चला चला के थक चुके थे। भाई रुके हुए हैं जी, वो पानी पी रहे हैं उधर भाई, और ये इधर जी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक चलते हैं जी आगे क्योंकि काफ़ी गर्मी बहुत है। आज गर्मी बहुत थी, मोटरसाइकिल चलाया भी नहीं जा रहा था जी। अभी थोड़ी छाँव हुई है, ठंड बनी है तो जा रहे थे जी। खिबिकी लेक रास्ते में जी हमें बड़ी भूख लगी है, इधर रुके हैं। पता नहीं आप इन लोगों का भाई खाना कैसा है, लेकिन वैसे तो प्यारा बनाया हुआ है माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत मोटा। तो हमारे भाई लगा रहे हैं जी कश फुल, चेक करें जी। व्यूअर्स अगर आप लोगों ने रोटी खानी है तो आओ, उतना तो हम खा रहे हैं। अभी जी हम नीचे उतर रहे हैं और जैसे ही हम नीचे जाएंगे और सामने हमें जी ये नज़र आ रही है जी खिबिकी झील। और इधर पार्किंग के लिए इन लोगों ने इस बार ये जगह बना दी है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो पार्किंग की यहाँ कोई जगह बनी हुई नहीं थी। अभी जी हम पहुँच चुके हैं जी खिबिकी लेक। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपको अंदर जाकर दिखाते हैं, फुल व्यू करवाते हैं। सफाई का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और अभी जी एंट्री फीस दी है हम लोगों ने, खिबिकी गाँव होने की वजह से इसका नाम जी खिबिकी झील रख दिया है। और अभी हम जाते हैं जी, आपको आगे जाके दिखाते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं खिबिकी झील। बहुत सख्त धूप है बिल्कुल ही, सर पे जी सूरज है हमारे और काफ़ी कुछ इन लोगों ने जी लगाया हुआ है इधर साइडों पे, पौधे काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है इधर, काफ़ी कुछ लगाया हुआ है जी, हमें नाम भी नहीं पता क्या क्या लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कितनी ब्यूटीफुल झील है जी। इस झील के लिए तकरीबन हमने 60 से 70 किलोमीटर सफ़र तय किया है। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि आप अपना एक दिन निकाल के वादिये सूंस केसर ज़रूर आएं और ये व्यू देखें। ये चेक करें जी, इन लोगों ने जी पुदीना लगाया हुआ है इधर और पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बनाया है। इधर आके जी आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बोर्डिंग कर सकते हैं और इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ एक रेस्टोरेंट बनाया है। अभी हम जाते हैं जी ऊपर, ऊपर व्यू पॉइंट इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, ऊपर जाके आपको फुल व्यू करवाते हैं। ये झील 1 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में 18 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि उछाली झील और खिबिकी झील का पानी जी नमकीन है, जो पानी पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अभी जी हम जा रहे हैं जी बोर्डिंग करने के लिए, हमें जी टिकट मिला है 850 रुपये का। वैसे तो मतलब 6 बंदे बैठ सकते हैं और लेकिन हम 3 हैं, एक और थी वो मतलब कि ना खुद बाइक होती है वो खुद चला सकते हैं, लेकिन उसका ना टाइम ज़्यादा होता है और उसका जो है वो एक ही बंदा जाएगा और 900 रुपये वो ले लेंगे 6 मिनट के लिए। वो जी मतलब कि ना कर सकते हैं, हम चला सकते हैं उस बाइक को, ये भी इतना ही है 6 मिनट है, लेकिन इसका ना चलो 3-4 बंदे तो बैठ सकते हैं ना।
ये चेक करें जी व्यू, बैठ बड़ा खुश है, ये फर्स्ट टाइम बैठा है तो डरा भी है, कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं बैठा। इस वक्त ये सूंस केसर की सबसे खूबसूरत झील बन चुकी है। सूंस केसर में जी चार झीलें हैं, उछाली झील, खबेकी झील, अहमदाबाद झील और आलड़ झील। मौसम सरमा में नामालूम और नायाब किस्म के परिंदे भी पाए जाते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपकी तरफ जल्द ही पहुंच सके। ये जी अभी हम जा रहे हैं आगे, ठीक है, एक यहाँ से आगे सीधे राउंड लेना हमने और एक वहाँ पर जाना है लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट या राइट आई थिंक। तो जी 850 रुपये हमने दिए हैं इनको, ठीक है, हम तीन बंदे हैं, वैसे छः बंदे बैठ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, कई बार भी पैसे लगते रहते हैं। अब्दुल मालिक भाई पहले कहते थे नहीं यार रहने दो, एक जो राउंड लेना है, फिर हमने कहा नहीं यार जाते हैं। जी आलम जी ठीक हो, चाह सारी भाई बहुत चाह सारी आज। हाँ अब्दुल मालिक भाई फिट है, हाय हाय, धूप है यार, वैसे चस्त आ रही है। मजा आया।